छिंदवाड़ा में सार्वजनिक रामलीला मंडल के तत्वाधान में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। देर रात तेज बारिश होने के बाद भी दर्शक लोग छतरी एवं बरसाती लेकर रामलीला का मंचन देखने पहुंचे। रामलीला के तीसरे दिन धनुष यज्ञ, रावण बाणों, सुर संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद का मंचन किया गया। आपको बता दें कि बीती रात रामलीला के दौरान जनकपुरी में सीता के स्वयंवर में देश विदेश से आए राजा महाराजाओं ने भाग लिया। स्वयंवर में घोषणा की गई, जो भी वर शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसके साथ ही सीता का विवाह रचाया जाएगा। इस दौरान रावण और अन्य राजा धनुष उठाने में असफल रहे। राजा जनक ने क्रोधित होकर सभी को खूब धिक्कारा। उनके क्रोध को देखते हुए लक्ष्मण को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि जिस सभा पर श्री राम बैठे हुए हैं वहाँ आपके ये वचन अनुचित हैं। अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर श्री राम जी ने शिव धनुष को फूल की तरह उठाया और तोड़ दिया। तीनों लोकों में जय जयकार के साथ सीता जी ने अपने हाथों से प्रभु श्री राम को माला पहनाई। इस दौरान राम के अवतार में रजत पांडे, लक्ष्मण आयुष शुक्ला और रावण के किरदार में विनोद विश्वकर्मा दिखे। बारिश के बाद भी देर रात तक बड़ी संख्या में लोग जमे रहे।